Hey, मोनिका. अभी मोनिका तने आर यू डू यू नो ये सीडी हाँ कौन सा है? कौन सा सीडी है? दीपक दादा नहीं है, अक्षय काका भी नहीं है. सीडी नंबर मैं अभी पापा से पूछना पड़ेगा, वो पूछ कर आती हूँ मैं। ओके ओके, कोई माया होपफुली मीनेश दादा को आता होगा. हो गया, बोलो. हाँ ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद। दीवा भी जानी उपदेश, सबकी सुंदर छे आदेश। दीवा भी जानी उपदेश, सबकी सुंदर छे आदेश। वक्ता बोले जावी शेष, वर्तन मानव हुकेश। वक्ता बोले जावी शेष, वर्तन मानव मुकेलिश। दीवा भी जाने उपदेश, सौती सुंदर छे आदेश। आकरू नव नव करहु ये, सौने के ताफरशे। आकरहु नानव करहु ये, सौने के ताफरशे। पराय की नहीं परायनी, व्याधि जरी नवकरशे। पराय की नहीं परायनी, व्याधि जरी नवकरशे। दीवा भी जानी उपदेश, सौती सुंदर छे आदेश। रुद तत्तु जो के नारानु, तार्यो जो नवताशे। रुद तत्तु जो के नावानु, तार्यो जो नवताशे। आँखों माती अग्नि जरशे, विषदर संदेखाशे। आँखों माती अग्नि जरशे, विषदर संदेखाशे। वक्ता बोले जावी शेष, वर्तन मानव मुकेलेश। देवा भी जानी उपदेश, सौती सुंदर छे आदेश। जय सच्चिदानंद। यही सच. आपने बहुत बड़ा पद निकाला, गाया भी अच्छा. तो उसका मालूम है टाइटल का मीनिंग क्या है? वो पता नहीं उसका। नहीं मालूम है. ओके, तो पापा को पूछना मांगता है ना वो मैंने नहीं पूछा। क्यों? आज तो छुट्टी थी ना. हाँ ओके, तो थोड़ा मीनेश दादा बातें करो. देवा बीजा ने उपकारी यस, आदेश. ये जो बात बताई है ये हमारे भारत देश की बात बताई है, कि यहाँ परिस्थिति कैसी है कि दूसरों को उपदेश देने के लिए हम एवर रेडी होते हैं हाँ और दूसरों की बात सुनने के लिए एवर रेडी होते हैं, नहीं और दूसरों को उपदेश देते तो बहुत सियाने हो जाते हैं. हाँ यहाँ ये बात समझाना चाहते हैं. देखो यहाँ बोलते क्या है दादाजी, क्या बता रहे, कविराज क्या बता रहे हैं कि इंडिया कैसा है, भारत कैसा है, कि यहाँ दूसरों को उपदेश देना अच्छा लगता है सबको. तो आगे क्या होता है कि वक्ता मीन्स जो बोल रहा है वो इतना ज्यादा बोल रहा है लेकिन अपने खुद के बर्तन में, अपने खुद के व्यवहार में कुछ भी नहीं होता है. हाँ
अपने खुद के व्यवहार में चरित्र में नहीं होता है। ये करो ये मत करो ऐसी बात सबको समझाते रहेंगे, पर मैं खुद फॉलो कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ वो सब देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। बोलेंगे क्या कि भाई क्रोध मत करो, क्रोध करना बहुत नुकसानकारक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। पर ऐसा जो बोल रहे हैं उनका अपनी डिजाइन के हिसाब से नहीं होगा तो क्या करेंगे, उनकी आंखों में से अग्नि निकलेगा। कौन सा? क्रोध का अग्नि, क्रोधाग्नि। विष दर जैसे दिखाई देंगे, माग सर्पेंट कोबरा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। यहाँ क्या बता था कि यहाँ सारा फोकस हमारे खुद के ऊपर नहीं है, कि जहाँ खुद के ऊपर फोकस है तो वहां अपनी गलतियां ढूंढ ढूंढ के अपनी गलतियों से मुक्त होने की बात आएगी। तो यहाँ पूरी परिस्थिति विपरीत है ऐसा कविराज दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमें कंक्लूजन निकालने का, तारण निकालने का कि भाई कविराज ने जो बताया ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, सारी वास्तविकता खुली की है फिर भी ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है। क्यों? तो कि मुझे शोभा दे ऐसी बात नहीं है, मुझे तो मेरा काम निकाल लेना है अभी। हाँ। मेरा काम कब निकलेगा कि जब ये सारी गलतियों से मैं मुक्त हो जाऊं तभी। हाँ। किसी प्रकार की वीकनेस बाकी नहीं रहे तो काम होगा ना। हाँ। कितना ही समझने का है, ये तो आसान है ना। इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया कि ये जगत में मैं किसी को सुधारने के लिए, मीन चेंज करने के लिए, बदलने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं तो खुद में बदलाव लाने के लिए आया हूं। तो दूसरी तरह से समझे तो कुएं में पानी है तो बाहर पानी आएगा ना? नहीं। कुएं में पानी है तो उसको खींच के बाहर ला सकते हैं ना? हाँ। कुएं में पानी है नहीं तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो वैसे यार मैं खुद चेंज हो गया हूँ, मेरी खुद की गलतियों से मुक्त हो गया हूँ, फोकस पूरा मेरे मेरे पर ही है, मेरी ये जगत, मेरा ये जगत है उसके पर ही मेरा फोकस है, मन वचन काय पर मेरा फोकस है, वो फोकस है, वो लाइट में मीनस की सारी गलतियां मुझे दिखाई देगी। हाँ। दिखाई देगी, गलतियों का रक्षण करेंगे कि गलतियों को धोएंगे? गलतियों को धोएंगे, गलतियों को धोएंगे। ठीक है, ये फोकस हो गया तो हमारा काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा? नहीं। फिर पापा मम्मी को या भाई बहन को किसी को हमें बोलने की नौबत आएगी, या फ्रेंड को बोलने की नौबत आएगी जब ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलेंगे? नहीं। आप लोगों को दूसरे बोले वो अच्छा लगता होगा? नहीं अच्छा लगता है पापा मम्मी बोले या फ्रेंड्स बोले या भाई बहन आके बोल जाए कि आपने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सुनना अच्छा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो सुनना अच्छा नहीं लगता तो अंदर बोलने का कि आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा कर लो बिना गलती वाले हो जाओ तो कोई आपको कुछ भी बोलेगा ही नहीं। हाँ। कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। दादा भगवान को सुना आपने, कोई आके बोल गया कि दादा भगवान आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कोई बोलता था उनको? नहीं। क्यों नहीं बोलते थे? कि वो किसी भी प्रकार की उनकी कमी रही नहीं थी। हाँ। सारी सारी गलतियों को उन्होंने धो दिया था, साफ कर दिया था। हाँ। उन्होंने खुद ने ये उपदेश पचाया था।
इससे उनको दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दादा भगवान ने अपनी प्योरिटी जो की थी, शुद्धि की थी, मन वचन काया की, तो हमें बोलना पड़ता था कि आप प्योर हो जाओ, प्योर हो क्या हो, नहीं बोलना पड़ता था उनको। उनको देख के ही हमें हम सभी महात्माओं को होता था भीतर कि हम कब दादा भगवान जैसे प्योर हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ओपन टू स्काई हो जाए। आज मुझे मेरी गलती छुपानी क्यों पड़ती है, ढकनी क्यों पड़ती है उसको? देखिए भीतर मुझे भय पड़ा है कि लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, गलती खुली कर दूंगा तो। हाँ। तो मनीष दादा, अभी हम एकाक्षी बा को पूछेंगे, तो हाँ। किसी का किसके किसका नहीं सुनते हो एकाक्षी बा? मैं कभी कभार, अभी तो बहुत कम हो गया, मैं मम्मी का नहीं सुनती हूँ कभी कभार, अभी तो बहुत कम हो गया। लेकिन क्यों, कैसे कम हो गया? मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मम्मी का सुनना ही है जो भी कहते, और ऐसे कहना है मम्मी को। आपने बोला था ना कि मैं गुरु, मम्मी और पापा दोनों को ऐसे बोलना है। अच्छा, वो काम आता है, वो काम आता है। हाँ, तो ये चिनाई को भेजो ना आपकी दवा। हाँ, वो तो दादा भेजते, हम कैसे भेजे? क्या बोला? वो तो दादा से शक्ति मांगनी होती है ना, दवा कैसे हम भेजे? ओके चिनाई, आपने सुना सब? हाँ। ओके, तो जय सच्चिद। अभी हम मेरे शान जी, अभी पूजा बहन से बात कर गया। पूजा बहन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओ ओके, थैंक यू मोनिका। ओके पूजा बहन, आपके आप में तो क्रोध, दूसरा क्या है, क्रोध, ये सब पद में आया ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष तो नहीं है ना अपने में? और दूसरे को सुधार दे, अब भैया को सुधारने की ट्राई करते हैं ना, ये पद में ये सब आया है। मेरे दादा से बात करो। सब पढ़ा है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ पढ़े बराबर, आपको पता चलता है ना कि ये पढ़े हैं? हाँ। तो उसका पक्ष लेने की इच्छा होती है, उसका रक्षण करने की इच्छा होती है, लेते भी है पक्ष। हाँ, तो जहाँ पक्ष लेते उधर आनंद होता है कि मार खानी पड़ती है? मार खानी पड़ती है। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि ये संसार में तीन प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग कैसे हैं? मार खाते हैं भूल जाते हैं, मार खाते हैं भूल जाते हैं, बार बार मार खाते ही रहते हैं। हाँ, वो एक प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार लोग कैसे है, तो मार खाते, गलती करते, उसमें सीखते हैं कि अभी दूसरी बार मुझे गलती नहीं करनी है, आगे वो फिर नई गलती करते नहीं है। हाँ। दूसरे प्रकार के लोग कैसे है कि मार कोई और खा रहा है, और जो कोई मार खा रहा है उसके व्यवहार में से वो लेसन लर्न कर लेते हैं, खुद कंक्लूजन निकाल लेते हैं उसमें से कि ऐसे सही में अगर मैं आ जाऊं तो ऐसी मार नहीं खानी है, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। तीन प्रकार के लोग हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी कैटेगरी में रहना है। दादा भगवान तो बहुत पक्के थे, वो तो दूसरे मार खाते थे उसमें से तारण निकाल लेते थे, कंक्लूजन निकाल लेते थे। ऐसे सही में अगर मैं आ जाऊं तो मुझे ये गलती नहीं करनी है। हाँ। तो दादा भगवान बिना गलती वाले हो गए ना। हाँ। तो कहाँ तक बताया दादा भगवान ने, ये दुनिया का इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट आदमी मेरे पास दिन रात 24 घंटा 6 महीने तक साथ में रहे, फिर भी हमारी एक गलती ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। फिर भी उनका लघुत्तम भाव देखो, साथ में क्या बताया, भाई मेरी स्थूल गलतियां नहीं है, सूक्ष्म गलतियां दिखाई दे, ऐसी कोई गलतियां बाकी नहीं रही है, लेकिन सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम दोष जो बाकी बचे वो कैसे है, तो कि हमारे केवल ज्ञान
वो खुला होने में बाधक है। तो क्या था कि वो अपनी जो दशा है वो खुद खुली करते थे, ये अभी कमी थोड़ी बाकी पड़ी है, तो कमी को ढकते नहीं थे, जो गलतियां पड़ी थी उसको ढकते नहीं थे। तो अभी हमें भी क्या होता है, उनके व्यवहार से हमें नक्की कर लेना चाहिए, उनका व्यवहार देखकर उनसे सीखना चाहिए कि भाई दादा भगवान कितने पक्के थे, जो मार खा के पहले सीखते थे बहुत पहले, तो फिर वो पहली कैटेगरी से तीसरी कैटेगरी में आके विचक्षण हो गए। मार खा के सीखने का वो तो बहुत पहले किया, उसमें सीखे नहीं थे वो भी था, फिर मार खा के सीखे उसी कैटेगरी में, फिर लास्ट में क्या था कि अभी मार भी नहीं खाना है और सीख लेना है। तो दूसरों की गलती में से वो लेसन लर्न कर लेते थे कि दोबारा ऐसे समय में अगर मैं आ जाऊं तो मुझे गलती करके मार खाना नहीं है। तो देखो वो किसी प्रकार की गलतियां उनकी देखने में आती ही नहीं है ना, नहीं। और उनका देखकर हमें भी भीतर डिसाइड हो जाता है, तय हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि मुझे भी दादा का जैसा प्योर हो जाना है, बिना गलती वाला हो जाना है। पर गलतियां तो होती ही रहती है पूरा दिन। तो गलतियां होती उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये कैसा है कि आप खेती करते फार्मिंग करते है, तभी तो विंटर चल रहा है तो गेहूं बोते है ना विंटर में, तो अभी तो गेहूं तैयार होने की तैयारी होगी, पर दिवाली के बाद गेहूं बोते हैं बराबर है, तो गेहूं के बीज ही बोए हैं, तो साथ में दूसरा घास उगता है कि नहीं उगता है? उगता है ना। तो क्या करते हैं, घास घास को भी उगने देते हैं? नहीं, उखाड़ देते हैं। घास को निकाल देते, उखाड़ देते, क्यों उखाड़ देते हैं? अच्छे हो जो जो खेडूत है फार्मर है उसको पता होता है कि भाई ये जो घास उगता है उसको वीड्स बोलते हैं, निंदापन बोलते हैं, लेकिन वो क्या करेगा तो कि वो गेहूं से ज्यादा स्पीड में उसका ग्रोथ होता है। हाँ। उसका विकास गेहूं के कंपेरिजन में बहुत जल्दी होती है, फास्ट होती है, तो हाँ। क्या करेगा तो कि गेहूं का जो खाना है खुराक है वो खुद खा जाएगा, तो खुद तगड़ा हो जाएगा और गेहूं पतला रह जाएगा, दुबला रह जाएगा। हाँ। कोई प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, फसल अच्छी मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो लॉस किसको जाएगा, जो फार्मिंग कर रहा है उसको, खेडूत को जाएगा। हाँ। इसी कार का भी ऐसी गलती करता है? नहीं। वो कभी थक जाता है कि चलो भाई ये घास निकाल निकाल के अभी तो मैं थक गया, अभी तो खेती ही नहीं करनी है, खेती बंद कर देता हूँ, ऐसा करते हैं? नहीं। तो उनसे नहीं सीखना चाहिए हमें कि कृषि का लोग कितने अच्छे हैं, फार्मर्स कितने अच्छे हैं, सदियों से खेती कर रहे हैं, लेकिन किसी ने फार्मिंग करना बंद नहीं कर दिया, कितनी पेशेंस है, धीरज है। वैसे यहाँ भी गलती हो जाती है उसका प्रॉब्लम नहीं है, गलती हुई पता चला लेकिन उसको भी क्या करना है, जैसे घास को उखाड़ देते हैं वैसे गलती को यहाँ से अपने मन वचन का से उखाड़ देने का है। कैसे है? तो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके गलती का स्वीकार करो, उसके लिए माफी मांगो, पीछे पक्का निश्चय कर शक्ति मांगो कि दोबारा ऐसी गलती, ऐसा घास का बीज अभी नहीं बोना है, ऐसी आप हमें शक्ति दें कि मैं निश्चय करता हूँ, ऐसी मुझे शक्ति दें। कभी तो होते हैं प्रतिक्रमण, कभी नहीं होते। हाँ बराबर है, जितना होता है जितने जितनी गलतियों का पता चला उसका प्रतिक्रमण और पीछे निश्चय हो गया, तो क्या हुआ था कि आपका अभिप्राय गलतियों के पक्ष में से बदल गया। देखिए जितने अभिप्राय आपके गलतियों के पक्ष में से बदल गए, इसका अर्थ क्या होता है कि आपने नए बीज बदल दिए, नए बीज गलती के नहीं बोए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। यहाँ गलती हो जाती है, वो पीछे जो हमने बीज बोया था उसका आज फल आ रहा है,
अभी क्या होना चाहिए, अभी हमारी समझ क्या होनी चाहिए था कि जो भी गलत फल आ रहा है, घास उग रहा है, तभी क्या करें, अभी घास मुझे नहीं चाहिए, तभी नया बीज मुझे घास का नहीं बोना है। हाँ आसान है, हाँ इतना तो कर सकते ना। ऐसा नहीं बोलता कि आप गलती करना बंद कर दो, पर जब जब गलती हो जाती है तो गलती का स्वीकार करो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करो, पीछे पक्का निश्चय करके शक्ति मांगो कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूं, ऐसी मुझे आप शक्ति दे। तो क्या हुआ था कि आपका ओपिनियन गलती के पक्ष में से चेंज हो गया, तो बीज पूरा बदल गया, तो आगे नई गलती होगी, नया फल आएगा नहीं, नहीं आएगा। तो कि जितने बीज पड़े हैं खेत में वो फल देके चले जाएंगे, तो नया बीज आप बोते नहीं है तो आप गलतियों से बाहर निकल जाएंगे ना। हाँ, तो इतना नक्की रखना कि मुझे एक भी गलती का पक्ष नहीं लेना है, उसका रक्षण नहीं करना है, उसको खुराक नहीं देनी है। तो गलती कितनी भी है तो वे उससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है पूजा बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई।